नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़े बैंकिंग अपडेट्स के बारे में दोस्तों जानेंगे समझेंगे। एक अपडेट है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर और दूसरा अपडेट है साहब सरकारी बैंकों में सरकार कितनी पूंजी अब आगामी यानी कि आने वाले मार्च में डालेगी। तो चलिए समझते हैं दोनों ही अपडेट को और उनका असर सरकारी बैंकों पर क्या होगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि सरकार निजीकरण को लेकर गंभीर है और वो अपने कदम इस पर आगे बढ़ा रही है। यानी कि निजीकरण साहब सरकार करके ही रहेगी और इस दिशा में सरकार बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है, ऐसा उन्होंने सरकारी और निजी बैंक के अधिकारियों की एक वो मीटिंग ले रही थी, वो बजट पे चर्चा कर रही थी कि जो बजट हमने पेश किया है उसको सही तरीके से अमल में लाया जा सके। बगल में ग्राफ लगा हुआ है, सारी चीजें आप उसमें से भी देख सकते हो। बगल और मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूरी अपडेट इस न्यूज की लगी हुई है, आप जाके उसको पढ़ भी सकते हो। यानी कि दोस्तों सरकार निजीकरण पर बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है, यानी सरकार का स्पष्ट कहना है कि निजीकरण हम करके रहेंगे दो सरकारी बैंकों का। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि आप ऐसी खबरें आना स्वाभाविक है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अगर वो इतनी बड़ी बात कह दें तो इनके शेयर प्राइस में एक जान सी आ जाती है, क्योंकि अभी माहौल जो है वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप देख ही रहे होंगे रशिया यूक्रेन की वजह से इनके शेयर्स बैंकिंग सरकारी बैंकों के शेयर लगातार नीचे ही गिरते जा रहे हैं। तो ऐसा बयान इनके लिए सरकारी बैंकों के लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है। निजीकरण होगा या नहीं ये तो एक बाद की बात है, लेकिन इनके शब्द यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इनके शब्द ही बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो ये ऐसे समय पर स्टेटमेंट आया है जब इनके शेयर प्राइस नीचे हैं और ये स्टेटमेंट आना भी लाजमी था, यानी कि खबर जरूर आनी थी, कोई बड़ा अपडेट जरूर आना था और वो आ गया जैसे पहले भी होता आया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों और इससे सहारा मिलेगा हमारे सरकारी बैंकों का। और दूसरा अपडेट है दोस्तों, बैंकिंग यानी कि कुछ चुनिंदा बैंकों में सरकार आगामी मार्च में 15,000 करोड़ रुपए डालने पर विचार कर रही है। ये सभी खबरें दोस्तों सूत्रों के हवाले से होती हैं। आपको पता ही है कि जो भी खबरें मैं आपको बताता हूं रिगार्डिंग बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर या बैंकिंग अपडेट को लेकर, जो भी अपडेट मैं आपको बताता हूं सभी सूत्रों के हवाले से होते हैं। तो सरकार आगामी मार्च में 15,000 करोड़ रुपए डालने पर विचार कर रही है इन सरकारी बैंकों में। इनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा साहब पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पूरी अपडेट और पूरी डिटेल न्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, व्हाट्सएप के माध्यम से वॉइस मैसेज के द्वारा मैं इन दोनों अपडेट पे विस्तृत रूप से आपके साथ करूंगा चर्चा। 7:30 से 8:30 जुड़िए, वहां पर भी बहुत सारी चीजें काम की आपको जानने को मिलेंगी। पूरी अपडेट जो मैं यहां आपको न्यूज बताता हूं वो सारी डिटेल न्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल पर लग जाती है, तो वहां पर भी जुड़िए और साहब अच्छी अच्छी जानकारियों का आनंद लीजिए। तो साहब ये दो बड़े अपडेट थे, एक बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका बड़ा बयान आया है कि सरकार बहुत तेजी से निजीकरण की दिशा में अपना काम कर रही है, और दूसरा है साहब कि सरकार 15,000 करोड़ रुपए डालने पर विचार कर रही है इन सरकारी बैंकों में। तो ये दोनों ही खबरें साहब सरकारी बैंकों के लिए एक बूस्टर डोज प्रदान करेंगी, डेफिनेटली इनके शेयर प्राइस पर एक अच्छा साहब इंप्रूवमेंट होगा और इनके शेयर प्राइस जरूर बढ़ेंगे। जब भी इस तरह के माहौल होता है इनके शेयर दोस्तों नीचे आने लगते हैं, तो इस तरह की जो खबरें आती हैं और स्पेशली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ये बयान आए कि निजीकरण पे सरकार काम कर रही है और अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रही है, तो बहुत बूस्टर डोज प्रदान हो जाता है नीचे के लेवल से, इनमें फिर एक नई जान आ जाती है और हम तैयार रहते हैं इनको बाय करने के लिए नीचे के लेवल से। फिर वही कहानी एक बार दोहराई जाएगी, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज। तो पूरी डिटेल अगर आपको जाननी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, बैंक प्राइवेटाइजेशन से आपको बहुत सारी चीजें पूछनी हो, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे ही देता हूं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे से साहब आप चैटिंग भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज के द्वारा मेरे आंसर भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मेरी न्यूज
आप देख सकते हैं। तो ये दो अपडेट थे, और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा रिगार्डिंग बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आगे दीजिए फाइनली मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।